नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचित सक्सेना है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक एंड एओर्टिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको एओर्टिक डिसेक्शन की सर्जरी, जिसको कि बेंटाल सर्जरी या एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। ये सर्जरी हार्ट से निकलने वाली जो मेन ब्लड वेसल है, जिससे पूरे शरीर की ब्लड सप्लाई होती है, उसमें होने वाली बीमारियों में करी जाती है। इसकी बीमारियां कई प्रकार की हो सकती हैं। इसमें सूजन आ सकती है, जिसमें बोला जाता है जिसको साइज बढ़ सकता है, जिसको मेडिकल भाषा में एओर्टिक एनरिज्म बोला जाता है, या उस प्रकार की बीमारियां जिसमें इसकी लेयर्स में, इसकी परतों में परेशानी हो गई है, परतें अलग अलग हो गई हैं, वीक हो गई हैं, जिसको मेडिकल भाषा में एओर्टिक डिसेक्शन बोला जाता है, उसमें भी ज़रूरत पड़ती है, या और किसी प्रकार की बीमारी जिसमें हार्ट से निकलने वाली मेन ब्लड वेसल ठीक तरह से काम नहीं कर रही, उसमें बीमारी है, उसके लिए इस प्रकार की इस सर्जरी को किया जाता है। इस सर्जरी में हार्ट से निकलने वाली जो मेन ब्लड वेसल है और वहाँ पे जो वॉल्व होता है जिससे खून एक दिशा में जाए, इसको एक साथ बदला जाता है। ये सर्जरी जटिल है लेकिन बहुत सेफ है, और आज की तारीख में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उनमें इनका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास तौर से अगर ये ध्यान में रखा जाए कि जिन बीमारियों के लिए ये की जाती है, जिसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि एओर्टिक एनरिज्म में, एओर्टिक डिसेक्शन में, ये बीमारियां बहुत ही ज़्यादा रिस्की बीमारियां हैं। इसमें जान जाने का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर से एओर्टिक डिसेक्शन, जिसमें हर घंटे हर एक क्षण मरीज़ के लिए दिक्कतमय होता है और उसकी जान में खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उसी के कारणवश ये सर्जरीज़ को कई दफ़ा एमरजेंसी प्रोसीजर की तरह करना पड़ता है, और अगर ये प्रोसीजर ठीक से किए जाएँ, अच्छे से किए जाएँ, तो इसमें जो रिस्क है वो बहुत कम होता है। 4-5% रिस्क होता है इन सब प्रोसीजर्स में, लेकिन ज़रूरी है कि सही समय पे अपने डॉक्टर के पास जाना, उनकी सलाह मानना और पूरे विश्वास के साथ ये ऑपरेशन कराना, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका कि इलाज पूरी तरह संभव है, और इसके बाद मरीज़ पूरी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, सारे काम कर सकता है, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो ऑपरेशन के पहले करते थे, वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी, चाहे फिज़िकल स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़, सब कुछ करी जा सकती हैं। इसलिए ये ऑपरेशन बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है, और कभी भी आपको एओर्टिक सर्जरी के बारे में सलाह दी जाए तो उसको इग्नोर ना करें, उसको टालें ना, और सही समय पर जा करके अपने सर्जन से मिलें और उसका इलाज कराएं। थैंक यू।